कविता प्रारंभ कर रहा हूं, आप तक मन पहुंचता है। आदरणीय महेंद्र भैया मेरे मार्गदर्शक बैठे हैं कि अनहद नाद सुर सरिता के बीच बैठ चित्त में एकाग्रता का ध्यान दे मां शारदे, घोरतम षड्यंत्र रच रहे नित यहां सत्य के प्रकाश का भी ज्ञान दे मां शारदे। तो सुर लय छंद बंद साहित्य भंडार में से नवरस कविता का दान दे मां शारदे, और शब्द शब्द ब्रह्म बन मोहिनी सनत करे, एक एक श्रोताओं का मान दे मां शारदे, एक एक श्रोताओं का मान दे मां शारदे। नित प्रभात में अलग जगाती ये वेदों की वाणी है, नित प्रभात में अलग जगाती ये वेदों की वाणी है। गंगा यमुना सरस्वती और यह रेवा का पानी है, काशी में शिव मथुरा काना और अवध में राम, यहाँ धर्म ध्वजा लहराते दिखते हमको चारों धाम, यहाँ तुलसी सूर कबीर यहाँ पर और मिले गुरु नानक है, स्वामी विवेकानंद आज भी युवाओं के नायक है, अन्न खिलाने वाले हमको अन्नदाता किसान मिले, सरहद की रक्षा करते हैं हमको वीर जवान मिले, समरसता उद्देश्य लिए संकल्पित कर्म हमारा है, देश भक्ति है सदा हृदय में, राष्ट्र धर्म हमारा है, तो सौ सौ जन्म ने छावर इस पर, ये सबकी भाग्य विधाता है, और विश्व धरा पर गर्वित होती प्यारी भारत माता है, विश्व धरा पर गर्वित होती, विश्व धरा पर। अरे जरा दोनों हाथ खोलकर हो, जय जय सियाराम। मित्रों, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं, यदि मेरी बात का समर्थन, मेरी बात आप तक चल जाए तो आपकी तालियों का समर्थन यहां तक पहुंच जाए, हम किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है, हम केवल अपनी भारत माता की संतान है, जो जब भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे तो उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे फिर वो मैं हूं चाहे फिर आप। कमाल कर दिया भाई, जय हो जय हो। क्या हुआ कि बार बार धन लूटा, क्या बताओ, ऐसे नहीं आए मेरे मित्रों, मेरे भगत सिंहों, महाराणा प्रतापों, ऐसे नहीं आए हैं कि घर बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, उत्तर यदि लगे राजस्थान की भूमि से मुने दिया है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, पूरा भारत यहां पर सुन रहा है। बार बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है, कि रात दिन चलते रहे क्रांति दीप जलते रहे, गांव की मिट्टी का साथ छूट नहीं पाया है, तो हुण शक मुगलों के आता ताई लुटेरों के जुल्मों से दम मेरा घुट नहीं पाया है, और 200 वर्ष अंग्रेजों ने रोज कोड़े मारे यहाँ, फिर भी ये मेरा देश टूट नहीं पाया है, फिर भी ये मेरा देश टूट नहीं पाया है। क्यों नहीं टूट पाया जी, मैं बताता हूं क्यों नहीं टूट पाया। साधुवाद राम अवतार, बहुत बहुत साधुवाद, जय हो। थोड़ी आवाज बढ़ाओ बेटा, आवाज बढ़ाओ, एक पॉइंट एक को बढ़ाओ, एक मंच वाले ही बजा रहे हैं, दो तीन चार पांच पंद्रह बीस, सारे देशभक्त हाथ उठा के एक बार ऊपर, शर्म तोड़ दो, शर्म तोड़िए, एक दो एक, भारत माता के लिए, कि भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम। मेरी बहनें बैठी, बेटा थोड़ा भारत माता की वंदना के लिए, ये देवी वाली आवाज भी थोड़ी बढ़ाओ, कि भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम, वंदे मातरम संग संग मिलकर गाए हम, भारत माँ को आओ पुष्प चढ़ाए हम, वंदे मातरम संग संग मिलकर गाए हम, कि जिनके दम पर हम और हिंदुस्तान है ये, जिनके दम पर हम और हिंदुस्तान है ये, ऐसे वीरों को नित शीश झुकाए हम, ऐसे वीरों को नित शीश झुकाए हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं इसलिए देख रहा था कि जब घर का बच्चा लड़खड़ाते हुए गिर जाए तो परिवार के लोग कैसे संभालते हैं, मैं आज देही के अंदर देख रहा हूं। मैं बहुत बहुत साधुवाद और आभार आपका व्यक्त करता हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। वाह भाई, ये गांव की मिट्टी जी, आज मैंने कुछ ट्रेन के अंदर दो मुक्तक लिखे,
और मेरी इच्छा है कि मैं उसको सुनाऊं। बहन भैया बैठे हैं। कि नहीं लिखी नहीं लिखी नहीं लिखी नहीं लिखी कि नहीं लिखी आज तक मुन्नी शीला की जवानी, नहीं लिखी आज तक मुन्नी शीला की जवानी, मात्र शक्ति लक्ष्मी बाई रानी लिखता हूं मैं। कि सुनकर युवाओं के रक्त में उबाल आए, महाराणा प्रताप की रवानी लिखता हूं मैं। तो ऊंच नीच भेदभाव जाति संप्रदाय नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी लिखता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी लिखता हूं मैं। और हिमालय के शीश पे तिरंगा गाड़ आए उन सैनिकों के शौर्य की कहानी लिखता हूं मैं, सैनिकों के शौर्य की कहानी लिखता हूं। मित्रों, आप यदि हिम्मत दे तो हिम्मत की चार पंक्तियां मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर सनातनी में सुनाना चाहता हूं। स्वागत है भाई साहब, ये पूरे मन से सुन रहे हैं आज तो आपको यार। मेरा ऐसा मानना है कि कविताएं संदेश देती है, कविताएं संदेश देती है। तो कविताओं ने मुझे बताया कि काश कुछ लोग जीवित होते तो ना पाकिस्तान होता, ना वहां एक सेना होती, ना यहां एक सेना होती, ना वहां युद्ध होता, ना उनके सैनिक मारे जाते, ना हमारे शहीद होते। काश कुछ लोग जीवित होते। यदि वो जीवित लोग तक आप तक मेरा नाम पहुंच जाए तो मुझे अवगत कराना, मंच तक पहुंच जाए आपका आशीर्वाद। क्या बात, क्या बात। वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। थोड़ी आवाज बड़ा बेटा। वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता, वो अखंड भारत का स्वप्न तनिक भी आंखों में बसा लेता। अरे नेहरू गांधी का शांति मन गर उन वीरों को अपना लेता, और जिंदा होते राजगुरु सुखदेव भगत इस धरती पर तो जिन्ना की औकात फिर क्या पाकिस्तान बना लेता, जिन्ना की औकात फिर क्या पाकिस्तान बना लेता। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई साहब, वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो। हाँ हो गया। आइए सुनिए, महाराणा के लिए दोनों हाथ उठाइए, एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों जितने लोग बैठे हैं, स्वाभिमान के लिए उठाइए दोनों, और एक साथ मेरे साथ बोलेंगे। क्या राजस्थान लगे तो मुझे बताना। कि राणा के संकल्प का स्वाभिमान है ये, मीरा वाले गिरधर का गुणगान है ये, राणा के संकल्प का स्वाभिमान है ये, मीरा वाले गिरधर का गुणगान है ये, पन्ना चंदन हाड़ी रानी का त्याग यहाँ, वीरों की हाँ वीरों की धरती हाँ राजस्थान है ये, वीरों की धरती हाँ राजस्थान है ये, वीरों की धरती। धरती क्यों कहा गया है? कि सरहद ने वीरों को रण में पुकारा था। जरा तालियां बजाइए, केवल उनका शोक नहीं है, भारत माता की वंदना कर रहे हैं। वीरों ने हाँ सरहद ने वीरों को रण में पुकारा था, अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था, वीरों को हाँ सरहद ने वीरों को रण में पुकारा था, अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था। कि गांव की मिट्टी सर चढ़ करके जब बोली, गांव की मिट्टी सर चढ़ करके जब बोली, एक एक ने हाँ एक एक ने हाँ एक एक ने दस दस दुश्मन को मारा था, एक एक ने दस दस दुश्मन को मारा था, अमर तिरंगा निज प्राणों से। यदि लगे तो एक पंक्ति आप भी गा के हमारे साथ पुण्य कमाइए, केवल एक पंक्ति है। अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था, उठाइए हाथ। कि अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था, शर्म तोड़िए, ये शर्म के कारण हम पीछे। अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था, अरे अमर तिरंगा निज प्राणों से प्यारा था, और सरहद ने वीरों को रण में पुकारा था,
कि गांव की मिट्टी सर चढ़ करके जब बोली, सर चढ़ करके जब बोली, एक एक ने हाँ, एक एक ने हाँ, एक एक ने दस दस दुश्मन को मारा था, एक एक ने दस दस, और कैसे मारा था, क्या बात है भाई साहब, कैसे मारा था। कुछ लोग पहुंचे थे वहां तक, आवाज लगा देना एक अलग बात है मित्रों। कल्पना कभी करी, मांस का लोथड़ा आया था घर पे और कह दिया गया ये आपका बेटा है, आप इसका पंचकर्म कर दीजिए, आप पंच अग्नि दे दीजिए, आप उसका क्रियाक्रम कर दीजिए। क्या हुआ था साहब, मात पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, हाथ खुले देई वालों, मात पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली, घर पर जाने की छुट्टी थी, सरहद से वो निकल पड़े थे, दिल में अपने जज्बात लिए, पर रस्ते पर आतंकी बैठे बारूदों की घात लिए, हुआ धमाका, हुआ धमाका, हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था, अरे भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी बहना पत्नी माँ रोई, अरे घर का बूढ़ा बाबा रोया था, और ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था, ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा। मात पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिले, घर पर जाने की छुट्टी थी, सरहद से वो निकल पड़े थे, दिल में अपने जज्बात लिए, पर रस्ते पर आतंकी बैठे बारूदों की घात लिए, हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था, अरे भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी बहना पत्नी माँ रोई, घर का बूढ़ा बाबा रोया था, ऐसा लगा कि खोया था, ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। तो शांति दूत हम विश्व पटल के, नहीं कोई मजबूरी थी, दुश्मन से बदला लेना दृढ़ इच्छा बहुत जरूरी थी, तो जल थल वायु सेना ने अपनी ताकत को झोंक दिया और आधी रात में आतंकी अड्डों को जाके ठोक दिया, आधी रात में आतंकी अड्डों को जाके, राजस्थान में। और क्या, मैं अपने मूल काव्य पाठ पर आऊंगा, अभी तो मैं आपसे जुड़ने के लिए कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, यदि आपको लग रहा है कि मैं राजस्थान की धरती पर खड़ा होकर दही में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, तो एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए ताली बजा के, ताकि मैं, मुझे समझ में आए कि जी भैया स्वागत स्वागत है, गजब कमाल कमाल, क्या राजस्थान में जी। एक लिंग दीवान की जय जयकार यहां, कितने हैं एक लिंग दीवान की जयकार करने वाले, जरा हाथ उठा के। एक लिंग दीवान की जय जयकार यहाँ, श्रीनाथ सावरिया सेठ सरकार यहाँ, एक लिंग दीवान की जय जयकार यहाँ, श्रीनाथ सावरिया सेठ सरकार यहाँ, दिन दुखियों की होती कामना हर पूरी, दिन दुखियों की होती कामना हर पूरी, खाटू वाले श्याम कहे दरबार यहाँ, खाटू वाले श्याम कहे दरबार यहाँ, खाटू वाले श्याम कहे दरबार यहाँ।